तो अभी मटन जो है मैंने छोक दिया है, तो ये भुन रहा है और इधर मैंने ये पेस्ट भी बना कर रख लिया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 15 जून और आज है हमारी एनिवर्सरी। तो अभी जो है कुछ देर पहले जो ब्लॉग गया है तो उसमें कमेंट आए हैं, तो इतने सारे कमेंट आए हैं, थोड़ी देर में इतने सारे कमेंट आए। और उसमें जो है आप लोगों ने इतनी सारी हम लोगों को जो है दुआएं दी हैं, हम दोनों को लिए इतना प्यार जो है आप लोगों ने दिया है और इतनी सारी जो है मुबारकबाद दी है। तो इसके लिए हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और बस इसी तरीके से हम लोगों के लिए जो है दुआएं करते रहे और हमें अपना प्यार इसी तरीके से देते रहे। और बस अभी जो है आज की हमारी दिन की सुबह बहुत ही अच्छी वाली हुई है। वैसे तो रोज ही होती है, लेकिन अगर कुछ खास दिन होता है तो बहुत अच्छा सा लगता है ना, शुरू शुरू मतलब सुबह सुबह उठ के ही कि हाँ आज हमारी एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे हो। तो बस आज एनिवर्सरी है, तो बस सुबह सुबह से जो है मैं यही सोच रही हूँ कि इतने टाइम पे ये हुआ था, इतने टाइम पे ये हुआ था, क्योंकि अभी जो है 12:15 हो रहे हैं। तो मैं अभी सोच रही थी बेटी बेटी कि इस टाइम पे तो जो है मैं सिफ्टी आई थी क्योंकि मेरी शादी जो है यहीं से हुई थी, मतलब हम रहने से आ गए थे तो सिफ्टी से ही हुई थी मेरी शादी, मतलब हमारे साथ, क्योंकि ये तो इनका शहर है ये, लेकिन मैं आई थी यहाँ पर फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर लड़की की बारात आती है तो वो अलग फील करती है, लेकिन मैं यहाँ पर आई थी उलट के, मतलब तो मुझे अलग ही मतलब फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं आई हूँ। तो अच्छा भी लग रहा था कि हाँ कुछ नया है, क्योंकि अभी तक हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि मेरा ननियाला भी इतना बड़ा है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है सबकी बराती जो है आई है। लेकिन मैं वहाँ पर पता है क्या, जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मम्मी पापा ने बोल दिया था कि यहीं पर आ जाना, तो फिर मेरे घर वाले भी राजी हुए थे, हाँ ठीक है। तो फिर मैं पता क्या बोलती थी, जब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो बड़ा खुश होकर कहती थी कि तुम लोगों की तो बारातें आई हैं यहाँ पर और मैं जो है बारात लेके जा रही हूँ, तो मैं बारात लेकर जाऊंगी। तो अब मैं जब सोचती हूँ और इनसे बोलती हूँ ना, तो ये कहते हैं हाँ सही तो है, तू बाराती तो लेकर आई थी। तो इस टाइम पर जो है 12:15 बजे से 12:30 ऐसी दोपहर का टाइम था, तो हम लोग आ गए थे और बस लॉज में बैठे हुए थे। फिर शाम के टाइम मेरी बाजियाँ जो है मुझे तैयार कराने के लिए ली गई थी। तो जो शादी वाला माहौल रहता है ना, बहुत ही अलग तरीके का मैं फील कर रही थी और काफ़ी अच्छा भी था। और ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे संग मतलब इतना कुछ अच्छा हो सकता है, और मतलब ऐसी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी मेरी जो लाइफ है इतनी अच्छी, इतने मतलब अल्लाह पाक ने इतनी सोच समझ के लिखी है, और मेरे नसीब में जो है इतने अच्छे हस्बैंड लिखे हैं, इतने अच्छे सोहर जो है मेरे नसीब में लिखे हैं कि मुझे दुनिया की हर खुशी दे सके और मेरी हर खुशी पूरी करते हैं। और मतलब मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है मेरे सोहर के लिए और मेरे परिवार वालों के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे, मेरी बाजियाँ, मेरे सास ससुर, देवर, और अब तो देवरानी भी है। तो मतलब हर चीज़ जो है मेरे नसीब में जो है बहुत ही अल्लाह पाक ने बहुत ही सोच समझ के लिखी है कि हाँ हर शख्स की तरफ से मुझे प्यार मिले। तो मेरा पूरा परिवार जो है बहुत ही अच्छा, और ये चीज़ आप लोगों को भी पता ही है क्योंकि मैं अभी 1 साल तो जो है पूरा हो गया है ब्लॉगिंग करते हुए, तो इस हिसाब से आप लोग मुझे जान भी गए होंगे और मेरे परिवार को भी। तो बस आज बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ इतने प्लान करके रखा है तो अभी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। बस अभी जो है मटन बनना है, शाम को जो है 2 केजी मटन लेकर आए थे, क्योंकि आज है शनिवार तो शनिवार के दिन यहाँ पर अच्छा मटन नहीं मिलता है, कल जुमा था तो इसलिए ये बोलने लगे कि कल आज ही मैं लेकर आ जाता हूँ और कल बना लेंगे, क्योंकि कल अच्छा नहीं मिलेगा तो इसलिए शाम को ही 2 केजी मटन लेकर आए। लेकिन अब कोई आया नहीं है, वैसे उम्मीद थी कि मेरी छोटी वाली ननद जो है वो आ जाएंगी, लेकिन उनके यहाँ क्या है पेंट वगैरह का काम चल रहा है, उनका घर में जो है कलर वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से जो है उनका काम फैला हुआ है, वरना वो आ जाती, बोल रही थी कि मैं 13 तारीख को आऊँगी। तो हमने ईद पर बात करी थी ना, तो वो बोल रही थी कि 13 तारीख को मैं आऊँगी, लेकिन 13 तारीख को वो नहीं आ पाई, अब वो शायद 20-21 तारीख तक आ जाएंगी। तो और फिर ऐसे टाइम पर जो है बुलबुल भी नहीं है, मतलब हम 4 लोग थे, 4 ही लोग बचे हैं अभी
मतलब पापा तो जाते ही नहीं है कहीं पे, उनको शौक नहीं है कहीं जाने का इस तरीके से, तो उनको मैं इसलिए नहीं गिन रही हूँ। और हम चार लोग ही जाते थे, अब खैर बेटू बच्चे तो है लेकिन बड़े बोल रही हूँ, चार लोग हैं तो एक दो जने अगर और आ जाते या घर से आ जाते, घर पे से भी नहीं कोई आ पाया। बोला था गुलफ्सा जी शान से आने की, लेकिन आपको पता है मम्मी की तबीयत खराब है तो इस वजह से जो है गुलफ्सा को ही सारा घर संभालना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाई, कोई भी नहीं आ पाया, तो बस अकेले। अब एनिवर्सरी है तो इसलिए थोड़ा सा बनता है सेलिब्रेट करना, तो बस इसीलिए बस मटन बना रहे हैं और रुमाली रोटी है तो मार्केट से लेने गए हैं ये, और शाम का अलग प्रोग्राम है तो वो भी देखेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हर चीज़। आलिया गई है अपने पापा के साथ, मार्केट गए हैं वो, भैया भी गए हैं रुमाली रोटी लेने के लिए, और थोड़ा सा काम है उनको इसलिए, और इन्हों सो गई हैं, मम्मी नहा रही हैं, तो बस मैं अभी ये काम कर लूँ थोड़ा सा, बस झाड़ू पोछा जो है तो लग गया है, सफाई हो गई है, सब्जी बन रही है। सॉरी मेरी सब्जी लेने क्या था, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि मटन को सब्जी ना बोला करें तो इसके लिए सॉरी, मटन बन रहा है, मटन करी बना रही हूँ। तो मम्मी जो है काफ़ी मतलब बोल रही थी, फोर्स कर रही थी कि मैं बना लेती हूँ मैं बना लेती हूँ, फिर मैंने बोला मम्मी गर्मी इतनी ज़्यादा है किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी और उसमें टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम नहा धो लो, तुम आराम से बैठो, मटन ही तो बनाना है और कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ, वरना जो है मम्मी बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ, और मम्मी के हाथ का अच्छा भी लगता है मटन, लेकिन मैंने गर्मी की वजह से, क्योंकि हमारे किचन में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, और ऐसे में अगर मम्मी जो है इतनी सारी दवा खाती हैं तो उनको वैसे भी घबराहट होती है, गर्मी लगती है, तो इस वजह से ही मैंने मना कर दिया, वरना वो बना रही थी। तो बस अभी नहाने चली गई हैं और मुझे सिर्फ बर्तन जमाना है बस, और सब्जी सब्जी मटन बन रहा है। तो बस मसाला वगैरह जो है मैंने डाल दिया है, और आजकल जो है कुकर में बहुत ही कमी से बना रही हूँ मटन। मम्मी ने भी जो है जब रमजानों में बनाया था, जब मैं घर नहीं थी, यहाँ पर नहीं थी, तब मम्मी ने भी भगोनी में बनाया था, और मैं भी काफ़ी टाइम से जो है भगोनी में ही बना रही हूँ, तो अच्छा बनता है इसमें। और यही है घर जिसमें मैंने ये 7 साल पूरे किए हैं अपने, और बस अच्छा लग रहा है आज के। हाँ, और कल मैं बैठी हुई थी और मैं इनसे क्या बोल रही थी ये कि मतलब मैं बोल रही थी कि अब मैंने जो है एक पड़ाव पूरा कर लिया है 7 साल का, जिसमें अपने 2 बच्चे भी हैं, अब अपने 3 पड़ाव रह गए हैं, जिसमें दूसरा रहेगा बच्चों को पढ़ाना, तीसरा रहेगा कि बच्चों को मतलब पढ़ने के बाद उन्हें सेटल करना, कुछ भी नौकरी वोकरी कुछ भी लग जाए या कुछ भी है, और चौथा रहेगा उनकी शादी करना। तो ये हंस रहे थे कि हाँ मैंने कि जिंदगी के 4 पड़ाव रहते हैं, मतलब शादी होने के बाद, वैसे तो अपने कितने मान सकते हैं 6 पड़ाव, एक बचपन जवानी का मतलब, दूसरा अपने शादी का, और अब चे तीसरा मैंने बोल ही दिया है, मतलब शादी के बाद 4 पड़ाव हो जाते हैं, मैंने अपने तरफ से हिसाब लगाया है। मैं कल सोच रही थी कि कल हमारे 7 साल हो गए, तो इन 7 सालों में 2 बच्चे हो गए, और बच्चे मतलब थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, लेकिन अब दूसरा पड़ाव जब तक 14 साल होंगी शादी पर, जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे और पढ़ भी जाएंगे कुछ हद तक, और जो तीसरा पड़ाव रहेगा उसमें उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और नौकरी वगैरह जो है अगर उनके नसीब में होगी, अल्लाह ने उनके नसीब अच्छे रखे होंगे, अच्छे ही लिखे होंगे, आप लोगों की दुआएं भी हैं और हम माँ बाप दादी दादा सबकी दुआएं हैं, तो अल्लाह पाक उनकी जो है ऊंची से ऊंची बुलंदी पर पहुंचे, वो उनकी नौकरियां लग जाए, अच्छे से अच्छे जॉब करें वो, तो बस तीसरे पड़ाव में जो है उनकी नौकरी लग जाए और सेटल हो जाएंगे वो, और फिर चौथे पड़ाव में उनकी शादियां कर देंगे, बस हम फारिग हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे हज के लिए। लेकिन सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को हज पे भेजना है, बस यही अल्लाह से दुआ कि हमें इस काबिल कर दे कि हम अपने सास ससुर हैं उनको हज कराएं, और अल्लाह से बस यही दुआ रहती है कि हमें जल्द से जल्दी इस काबिल बना दे, और आप लोग भी दुआ करना कि हम अपने सास ससुर को जल्द से जल्द हज करा सकें। तो बस अभी काम कर लेते हैं, और बस आप लोगों से सोचा कि मैंने बात कर लेती हूँ, आज एनिवर्सरी है इसके लिए आपने हमें इतनी सारी दुआएं दी हैं, तो आपको थैंक्स भी बोल दें, बहुत बहुत बड़ा थैंक्स। तो सभी बैठी हुई हूँ मैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो अभी रात का टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं और बस अब तैयार हो रहे हैं हम लोग। बेटी को मैंने तैयार कर दिया है और बस मैं तैयार हो रही हूँ, और इन्नू को जो है मैं तैयार हो जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इन्नू को तैयार करूंगी और फिर चलते हैं होटल, क्योंकि होटल में रखा है केक कटिंग, क्योंकि सोचा कि घर में केक काटेंगे तो हमने सोचा चलो कुछ बाहर जाके केक काट लेते हैं, क्योंकि घर में तो आज खाना पीना हो ही गया है। सुबह मटन और रुमाली रोटी जो है मार्केट से आ गई थी, और अभी जो है जर्दा और पुलाव बना के रख दिया है, तो बस वो खा लेंगे आके। सिर्फ होटल में जो है केक कटिंग रखा है, क्योंकि मटन जो है ज़्यादा था आपसे बोला ही बचा लिया था, तो उसको बना के रख दिया, अगर खाना होगा तो खा लेंगे वरना जो है कल खिल जाएगा, बना के रख दिया है। तो बस अभी फटाफट से तैयार हो जाते हैं और फिर चलते हैं। मम्मी तैयार हो रही है, भैया तैयार हो रहे हैं और बेटू जो है तैयार हो चुकी है, तो बस अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और इन लोग को फिर मिलाते हैं। तो बस बेटू को मैंने तैयार कर दिया है, और ये वही गाउन है जो ईद के टाइम पर लेकर आए थे, तो ये नई रखी थी तो फैन है, और इसमें जो है बेटू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो बस अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और ये पल हमारे लिए बहुत ही खुशी भरा था, और इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितने खुश हैं, क्योंकि इस दिन का हमें काफ़ी टाइम से जो है वेट कर रहे थे कि आज हम अच्छा सा सेलिब्रेट करेंगे, और बस इस पल को हमारे किसी की नज़र लग गई, और ये पल जो है हमारा आपको पता है क्या हुआ था। तो बस ये जो पल थे हमने रिकॉर्ड करके रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उस दिन का, और मम्मी अपने बेटे को जो है दुआएं दे रही है, और हम जो है नीचे आए थे तो पापा जी जो काम कर रहे थे, तो मैंने जो है उनकी एक वीडियो क्लिप ले ली थी, मम्मी जो है बात कर रही थी तो पापा अपना काम जो है चेक कर रहे थे। पापा जो है रात में भी काम करते हैं और दिन में भी, मतलब। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मार्केट क्यों जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि 13 जून को था सानिया का बर्थडे, तो घर पर तो उसने बर्थडे बना ही लिया था, लेकिन हम बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर आओगी तो हम बर्थडे बनाएंगे तुम्हारा यहाँ पर दोबारा से। तो वो 20 तारीख को आ रही थी, क्योंकि छुट्टी है आपको पता है बच्चों की, अभी इनाया को बैठना है। तो 20 तारीख को जो है सानिया का यहाँ पर आने का था, तो हमने बोला था ठीक है 20 तारीख को आओगी जब, तो अपन 21 या 22 तारीख को बना लेंगे। तो फिर वो जो है सुबह बोल रही थी कि मुआनी आपने बोला था कि मैं यहाँ पर आऊँगी तो आप बर्थडे बनाओगे मेरा, तो मैंने बोला ठीक है सानिया आज अपन बर्थडे बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के मन के लिए। वैसे तो ऐसा कुछ मतलब प्रोग्राम करने का कोई भी मन नहीं है, क्योंकि मम्मी की हालत देखते हुए, तो फिर मम्मी भी बोलने लगी कर लो बच्चे का मन है, और फिर बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, उनको थोड़ी ना मतलब ये पता है कि क्या हुआ है घर में, तो इसलिए बस उसी के खुशी के लिए हम जो है उसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, मतलब बस सिर्फ केक कट करेंगे उसके लिए, तो और उसके लिए गिफ्ट ले आएंगे। और मुझे कितना सारा पसीना आ रहा, मुझे यहाँ पर दोनों जगह पसीना आता है, तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने बोला चलो मैं मतलब चलती हूँ साथ में और उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आएंगे, तो बस अभी जा रहे हैं, गिफ्ट लेकर आएंगे उसके लिए और केक ले आएंगे। और जो है मम्मी भी बोल रही थी, मतलब जब उनकी छुट्टी होकर आई थी तो उसके दूसरे दिन ही बोल रही थी कि सिफा तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो ले लो वो ले लो। तो फिर हम लोग बोल रहे थे कि अभी नहीं तुम सही हो जाओ जब दे देना, तो लेकिन वो इतने मन से लेके आई थी, इतने दिल से लेके आई थी, बोल रही थी कि मैं पापा के साथ गई थी, पापा ने इतने दिल से जो है गिफ्ट दिलाया था तुम्हारे लिए एनिवर्सरी के लिए, तुम ले लो अभी ले लो। तो फिर वो बोलने लगी कि आज अपन केक कट कर रहे हैं तो मैं गिफ्ट भी तुम लोगों को आज ही दे दूंगी, और बस। तो अभी वैसे तो हम जो है सानिया के लिए ही केक कट वगैरह कर रहे हैं, और साथ में मम्मी भी हमें जो है एनिवर्सरी का गिफ्ट दे देंगी, क्योंकि उस दिन से जो है गिफ्ट ऐसे ही रखे हुए हैं, तो वो मतलब रोज चेटती रहती हैं, मतलब जब भी उनको ध्यान आता है, वैसे तो वो ज़्यादा बात नहीं करती हैं, जब भी उन्हें ध्यान आता है तो बोलती हैं गिफ्ट सामने ही रखे हुए, तो बोलती हैं गिफ्ट ले लो, तो बस अभी वो गिफ्ट लेंगी। लेकिन अभी हम पहले मार्केट चलते हैं, पहले सानिया के लिए केक लेकर आते हैं और उसके लिए गिफ्ट लेकर, तो अभी बाहर मार्केट चले। तो अभी हम आए हैं सानिया के लिए गिफ्ट लेने, और जैसा गिफ्ट सानिया के लिए लेंगे तो वैसा ही आलिया के लिए भी लेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए, क्योंकि फिर आलिया बोलेगी कि मुझे भी चाहिए, तो बस इसीलिए हम, और सानिया ने मांगा है बार्बी डॉल का सेट, तो बस वही देख रही हूँ मैं कौन सा अच्छा है।
और एक हफ्ते बाद जो है ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। तो बस हम उसी शॉप पर फिर से आ गए हैं और ये हमने केक लिया है। और जो केक हमने रियल लिया था वो तो आप लोगों को दिखाई नहीं पाया था कि कैसा केक लिया था। तो ये मैंने फ़ोटो निकलवाई थी, तो ये वाला केक जो था हमने एनिवर्सरी वाले दिन लिया था और इसको हमने रियल में नहीं देख पाया, हमने सिर्फ इसकी फ़ोटो देख कर ही हम इसको ऑर्डर देकर आए थे। और बस अभी हम घर पर आ गए हैं, तो गुब्बारे जो है फुला लिए, छोटे वाले तो फुला लिए लेकिन बड़ा वाला जो है पप्पी को दिया था। पप्पी बोल रही थी मैं फुलाऊंगी इसको। पप्पी हमारी थोड़े से मतलब हंसी मजाक करती रहती हैं, घर में माहौल जो है चेंज होता रहता है इसलिए। तो बस पप्पी जो है बातें करती जा रही हैं और गुब्बारे को फुलाती जा रही हैं। हमारी पप्पी जो है हमें बहुत हंसाती रहती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो इसलिए हमारे घर का माहौल भी जो है खुशनुमा रहता है पप्पी की वजह से। तो बस अभी जो है हमने तैयारी कर ली है, दूल्हा भाई बैठे हुए हैं और सिंह जी भी हैं, पप्पी बैठी हुई हैं, बेटू और सानिया। तो बाजी जो है पप्पी की चोटी कर रही हैं। तो बस अभी जो है एक हार फूल लेकर आए थे दूल्हा भाई साहब, तो इसलिए तो दोनों बेटियों की जो है पप्पी ने गले में डाल दिया है। और बस इससे जो है इस छोटे से सेलिब्रेशन से जो है बच्चे बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो बस सानिया की खुशी के लिए हमने ये करा है और आप लोग देख सकते हैं बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। बेटू भी बहुत खुश है क्योंकि बेटू को और इनाया को भी बहुत खुशी होती है बर्थडे वगैरह करके। तो बस अभी दोनों जो है केक कट कर रही हैं और मम्मी जी जो है इधर नहीं दिखेंगी आपको, क्योंकि मम्मी की जो है दर्द हो रहा है, तो मम्मी इधर नहीं आई थी, बोल रही थी मैं उधर ही लेटती हूँ। तो बस मम्मी उधर लेटी हुई हैं और हमने बोला था कि इधर बैठ जाओ, तो मम्मी बोली नहीं तुम लोग करो, मैं वहीं से सुन रही हूँ। तो बस अभी जो है केक कट हो गया है, तो दूल्हा भाई जो है पीस काट के दे रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं काट पाए थे। और बस अभी दोनों बच्चों ने जो है अपनी दादी को केक खिलाया है। तो बस अभी बच्चे की करके सभी को केक खिला रहे हैं। और इस टाइम पर जो है घर में जो माहौल हुआ था खुशी का, तो इससे जो है सभी लोग खुश हुए थे और मम्मी को भी बहुत खुशी मिली थी क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया था घर में, हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तो बस अभी केक गिर गया था तो मैंने बुलबुल से जो है अखबार मांगा था और बस सानिया जो है इनाया को केक खिला रहे हैं। तो इनाया देख रही है ये क्या है और टेस्ट ले रही हैं। और बस अभी बड़ा वाला गुब्बारा है तो पप्पी से बोला कि आप फोड़ो, तो बस पप्पी जो है उस गुब्बारे को फोड़ने आई है। पप्पी बोली थी कि मुझे डर लग रहा है इसकी आवाज से। तो बस अभी गिफ्ट दे रहे हैं बच्चों को। तो ये पप्पी ने दिया है तो ये हमारे गिफ्ट थे जो कि दोनों के लिए सेम एक ही गिफ्ट लेकर आए थे और ड्रेस लेकर आए थे दोनों के लिए। तो ये भैया बुलबुल की तरफ से है
और ये बिट्टू इन्नू के लिए लेकर आए थे, क्योंकि जब दोनों के लिए खिलौने लिए तो फिर इनाया के लिए भी तो कुछ बनता है, तो बस इनाया के लिए ये सेट लिया था। और भी इसके दो चीज़ और है इसमें, दो खिलौने, तीन खिलौनों का सेट है ये। तो अभी ये बोलने लगे कि इनाया से भी केक कट करवा लो, तो बस इनाया से हम लोग केक कट करवा रहे हैं, और इनाया सोच रही है क्या करवा रहे हैं उससे। और जब तक बुलबुल केक खिलाने को भी, तब तक वो मचल गई। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बस पल में कुछ होते हैं। और बस अभी हमें एनिवर्सरी के गिफ्ट जो रखे हुए थे, तो बस इन्होंने मुझे दिया है, मम्मी ने भी हमें गिफ्ट दे दिए हैं एनिवर्सरी गिफ्ट, जो कि एक हफ्ते से जो है रखे हुए थे। तो इन्होंने मुझे दिए हैं ये गोल्ड के टॉक्स, तो ये खुद से ही लेकर आए हैं, इनकी ही जो है पसंद है। तो मम्मी बैठी हुई हैं, तो ये बोलने लगे लाओ मैं पहनाता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस दिन सोचा था कि एनिवर्सरी वाले दिन जो है यही पहनाएंगे। तो चलो मम्मी बोलने लगी कि उस दिन नहीं तो आज पहना दो। तो ये जो सेट है मम्मी ने दिया है, ये दोनों गले में, और ये टॉक्स तो आपको पता है इन्होंने दिए हैं। और बस अभी जो है चल रहा है नाश्ता, तो पेटिस और केक का पेटिस लेकर आए थे, तो बस अभी हम सब लोग जो है पेटिस खा रहे हैं और केक है। और भैया ने दी है हमें दीवार घड़ी एनिवर्सरी में, एनिवर्सरी गिफ्ट हमारे जो, क्योंकि रूम की आपको पता है नहीं है दीवार घड़ी, तो वो जो है उसी को सोच के ये लेकर आई थी। तो वो जब लगा देंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा पाई हूँ। तो बस ये हमारी थोड़ी सी खुशियाँ थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने, क्योंकि 8 दिन से जो है वही परेशानी वाला सीन जो है चला आ रहा था, क्योंकि मम्मी के देखकर हम लोग सभी दुखी थे, और क्योंकि मम्मी जो है इतनी दर्द में थी इसलिए। तो बस अभी एक दो दिन से मम्मी को अच्छा फील हो रहा था, तो बच्चों की वजह से, बच्चों के लिए ये थोड़ा सा सेलिब्रेट हमने किया, तो उसमें जो है मम्मी को भी खुशी मिली। तो बस आज जो है मम्मी थोड़ा खुश भी लगी, क्योंकि अगर हम बीमार कोई होता है तो अगर हम उसके सामने अगर शांत रहेंगे तो वो बीमार जो है और शांत रहेगा, और मतलब अपने आप को मरीज समझेगा ज़्यादा, और अगर हम उसके सामने थोड़ा सा खुशी वाला माहौल करें ना तो मरीज़ जल्दी से सही होता है। तो बस यही हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा हम हंसी खुशी का माहौल करें, तो मम्मी को थोड़ा सा खुशी महसूस हो और मम्मी भी इस माहौल में अपने आप को अच्छा समझें, और मतलब वो सोचे कि मैं भी सही हूँ। तो बस इसी एहसास को उनको दिलाने के लिए हम लोगों ने ये छोटा सा जो है बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा था। तो बस अभी बच्चे भी खुश हैं और मम्मी भी, मम्मी को देखकर हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ा वेट कर हम लोगों को दुआ दी मम्मी ने, और हमें जो भी गिफ्ट लाए थे मम्मी वो हमें दिए। तो बस यही देख कर हम लोग सभी खुश हुए हैं, और मम्मी भी हम बच्चों को खुश देख कर हमारी खुशी में खुश हुई है। तो बस यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और हमारे परिवार को इसी तरीके से आप लोग दुआएं देते रहे कि हमारे परिवार में ये खुशियाँ जो है हमेशा हमेशा बनी रहे, और बस अपनी दुआएँ हमारे साथ इसी तरीके से रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।